दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे बीजेपी और पीएम मोदी की नींद उड़ी है। केजरीवाल की वजह से इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है और बीजेपी का 400 पार वाला नारा अब हवा में ही रह गया, जबकि इंडिया गठबंधन का साफ कहना है कि सरकार तो इस बार उनकी ही बनेगी। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मिलकर बीजेपी गठबंधन को जमकर धोया। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता उन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इस बीजेपी को बड़ी हार मिलने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और बीजेपी झूठे मुकदमे लगाने वाले गैंग हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनके आंसुओं की नींद उफान पर है। जो देश का माहौल है और चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, अब समझ में आ गया चार चरणों के बाद की वो 543 में से 400 के बाद बची हुई 143 सीटों को देख रहे हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती है। इस बार जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब के 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे, यहाँ उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी अपने नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, एससी एसटी एक्ट और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ को हटाने का मन बना लिया गया, सरकार बनी तो 2-3 महीनों में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2-3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। मोदी जी ने नहीं कहा कि मैं 75 साल का होने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मोदी जी ने रूल बनाया है तो फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है, उनके पक्ष में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनका हटना तो तय है। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इनको 400 से अधिक सीटें इसलिए चाहिए ताकि ये आरक्षण को देश भर में खत्म कर सके, मगर मेरे हिसाब से 220 से भी कम सीटें आती दिख रही है, इनकी सरकार कभी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी मात्रा में वोट देकर जिताएं। वहीं संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ उसे देखकर पूरा देश दर्द में था, लेकिन पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप थे। प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का बलात्कार किया, लेकिन पीएम मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं।
हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। जब हमारे पहलवान जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल को पुलिस ने पीटा, इन मुद्दों पर पीएम मोदी चुप रहे। बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने NDA गठबंधन पर जमकर हमला बोला था। ऐसे में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 4 जून को सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NCR समाचार।